हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नो असाइनमेंट गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो है दिसंबर 2019 के टी के रिजल्ट में अगर असाइनमेंट के मार्क्स जो है शो नहीं हो रहे, तो उस केस में जो है आप क्या कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी आई है कि उनके जो है मार्क्स असाइनमेंट के शो नहीं हो रहे, वो थ्योरी में पास हो गए बट असाइनमेंट के जो है उनके मार्क्स शो नहीं हो रहे और उन्होंने जो है अपने असाइनमेंट भी सबमिट कर दिए थे अपने स्टडी सेंटर में, तो उस केस में जो है आप क्या कर सकते हैं, उसी के बारे में जो है हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने जो है यहाँ पे ग्रेड कार्ड ओपन कर लिया है। ग्रेड कार्ड में आप सबसे ऊपर चेक कर सकते हैं MCS 031, जिसमें असाइनमेंट के मार्क्स जो है बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे, जीरो मार्क्स आपके लगे हुए हैं। थ्योरी में जो है आपका मैं पास हो चुका हूँ, 42 मार्क्स है बट जो है स्टेटस नॉट कम्प्लीटेड शो हो रहा है। सो इस केस में जो है आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए थे या फिर नहीं किए थे। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए थे और आपने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दिए थे, तो आपको जो है बस सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम दोबारा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो एग्जाम में ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो आपको सिर्फ अपने असाइनमेंट को जो है दोबारा से सबमिट करना होगा अपने स्टडी सेंटर में। बट अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे और आपके जो है टर्म एंड थ्योरी में पास हो चुके हैं बट जो है आपके ग्रेड कार्ड में असाइनमेंट के मार्क्स जो है शो नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में जो है आपको अपने स्टडी सेंटर में कॉन्टेक्ट करना होगा। बिकॉज काफी टाइम ऐसा होता है कि इग्नू में जो आपके असाइनमेंट के मार्क्स, आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं बट असाइनमेंट इधर उधर हो जाते हैं, जिस चक्कर में आपके जो है मार्क्स जो है असाइनमेंट के नहीं लग पाते हैं। सो उस केस में आपको सिंपली बस अपने स्टडी सेंटर में जो है कॉन्टेक्ट करना होगा, जहाँ पे भी आपने असाइनमेंट सबमिट किए थे। अगर हो सके तो आप वहाँ पे जो है विजिट कीजिएगा, आपके पास जो है एक आपको स्लिप टाइप कुछ मिली होंगी जब भी आपने अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे। हर बार इग्नू में ऐसे ही होता है, आपको मिलती है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट किए थे, आपको स्टडी सेंटर से एक स्लिप मिलती है, उसको जो है आपको संभाल के रखा होगा। तो आप जो है उसको लेके अपने स्टडी सेंटर में जाइए और वहाँ पे जब आप जाएंगे सो उनको आप दिखाएंगे, सो आपके जो है मार्क्स यहाँ पे ग्रेड कार्ड में वहाँ से वो अपडेट कर देंगे आपको जो है दोबारा से असाइनमेंट सबमिट करने की या फिर अपने टर्म एंड एंड के जो थ्योरी के मतलब जो भी आपके एग्जाम होंगे आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, असाइनमेंट के मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने स्टडी सेंटर में जो है कॉन्टैक्ट करना है। सो मेक श्योर आप अपने स्टडी सेंटर में कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको दोबारा एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज आपने ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे बट वो मिसप्लेस हो गए थे, जिस चक्कर में जो है आपके असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे होंगे। एंड अगर मान लीजिए आपका जो अभी रिजल्ट पूरा नहीं आया, तो काफी सारे स्टूडेंट इस चीज के लिए पूछ रहे थे, सो आपका रिजल्ट जो है दिसंबर 2019 का पहली बार पूरा नहीं आता है, धीरे धीरे करके अपडेट आता है। सो मेक श्योर आप थोड़ा वेट कीजिएगा कि जब तक आपका रिजल्ट जो है धीरे धीरे अपडेट में जो है पूरा आ जाएगा। सो काफी सारे कोर्स जैसे EHI हो गया, FST वगैरह, कोई सा भी आपका कोर्स हो सकता है जिसका आपका रिजल्ट ना आया हो, तो उस चक्कर में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है धीरे धीरे करके इग्नू में जो भी रिजल्ट होगा उसका जो है अपडेट आता रहेगा, तो आप जो धीरे धीरे करके उसे चेक करते रहिएगा। अगर आपको इग्नू में असाइनमेंट बनाने में कोई भी परेशानी आती है या फिर आपसे जो है असाइनमेंट सोल्व नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए जो है आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर या फिर अपने एप्पल ऐप स्टोर पे से। उसमें से जो है आप सिंपली अपने असाइनमेंट जो है डाउनलोड कर पाएंगे।